morning, dear modern chums. How are you all? I hope you must be enjoying your holidays. We were talking about key terms of physical and chemical changes. Dissolving, a process in which a solid such as salt and sugar, when added to liquid like water, disappears into water and forms a homogeneous mixture. डिजोल्विंग बच्चों नाम से ही पता लग रहा है किसी चीज का किसी चीज में डिजोल्व हो जाना या मिल जाना है ना. ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड सॉलिड में क्या है शुगर या साल्ट, अगर उसे हम ऐड कर रहे हैं लिक्विड में, लिक्विड क्या है हमारा वाटर, डिसअपियर हो जाए मींस जब हम साल्ट या शुगर को जब हम वाटर में मिलाते हैं और वो डिसअपियर होकर के होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करे, तो ऐसे प्रोसेस को हम डिजोल्विंग कहते हैं, है ना. अगर हम बात कर रहे हैं साल्ट और शुगर की, हमने क्यों बात की, हम चाहें तो सैंड भी ले सकते हैं ना. सैंड क्या होता है, सैंड होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करता है? नहीं. सैंड क्या होगा, लास्ट में जाकर के शुगर में डिजोल्व नहीं होता है ना, सॉरी वाटर में डिजोल्व नहीं होता है ना, तो सैंड क्या हो गया, वो हेट्रोजीनियस में आ गया. तो वो चीजें जो पूरी तरह से डिजोल्व होकर के डिसअपियर हो जाए, ऐसी प्रोसेस को हम डिजोल्विंग कहेंगे. मेल्टिंग और फ्यूजन, मेल्टिंग और फ्यूजन, मेल्टिंग बच्चों हम सबको पता है क्या होती है, बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है. मेल्टिंग की डेफिनेशन देखते हैं सिर्फ. अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू लिक्विड, वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड को जब हम हीट करते हैं और मेल्ट होकर के वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मेल्टिंग. चेंज हो जाता है ना, इसमें क्या होता है, सॉलिड जब हम हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो उसे हम मेल्टिंग बोलते हैं. फ्रीजिंग, फ्रीजिंग क्या होती है, जम जाना. सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग को सॉलिडिफिकेशन भी हम चेंजेस की लैंग्वेज में कह सकते हैं. सॉलिडिफिकेशन का मतलब है किसी चीज़ को सॉलिड की फॉर्म में लाना. जैसे आइसक्रीम जमाने के लिए क्या करते हैं हम, बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके आइसक्रीम में जो सारी चीज़ें पड़ती है, जैसे मिल्क है, कस्टर्ड है, और कुछ फ्लेवर्स पड़ जाते हैं और शुगर है, ये सारी चीज़ों को हम मिला करके फ्रीज कर देते हैं ना, फ्रीज में रख देते हैं, कूलिंग के लिए रख देते हैं, तो क्या हो गया, आइसक्रीम की सॉलिडिफिकेशन होती है. या वाटर को ही जब हम रख देते हैं आइस बनाने के लिए आइस बॉक्स में, तो क्या हो गया, वो सॉलिडिफिकेशन ही तो हुआ ना, वो सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, तो वाटर फ्रीजिंग से हम उसे सॉलिडिफिकेशन फॉर्म में बना सकते हैं, है ना. एस आइए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं. अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू सॉलिड, ऐसी प्रोसेस जिसमें कूलिंग के थ्रू लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज हो जाए, तो उसे फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं. नेक्स्ट अगर हम बॉइलिंग की बात करें, तो बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग मीन्स उबलना, ये तो सबको पता है. अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू वेपर, उबलना तो सब जानते हैं, बट ऐसी प्रोसेस जिसमें वेपर की फॉर्म में वो आ जाए, मीन्स वो उड़ करके भाप बनने लगे. बॉइलिंग मीन्स ये नहीं होता कि हल्का सा लुक वार्म वाटर है तो वो बॉयल्ड है, नहीं. बॉइलिंग मीन्स वो प्रोसेस जब तक वो वेपर ना बनने लगे तब तक उसे हम क्या बोलेंगे, तब उस चीज को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग. ओके, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर बाय अब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, वो प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी से मींस हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके सराउंडिंग्स की वो क्या करे, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाए, लिक्विड वेपर फॉर्म में चेंज हो जाए. जैसे इवेपोरेशन बच्चों कहाँ होती है, कोई एक एग्जाम्पल देखिए आप बता सकते हैं क्या, मैं बताती हूँ. इवेपोरेशन हमारा होता है वाटर साइकिल में, हम बढ़ते हैं ना, वाटर इवेपोरेट हो गया, कैसे होता है, रेन वाटर इवेपोरेट कैसे होता है, जब हमारे एनवायरमेंट से हमें हीट मिलती है या सन से हमें हीट जब मिलती है, तो जो भी हमारा लैंड पे जो वाटर होता है वो वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है ना, वेपर फॉर्म में चेंज होता है, और वो वेपर फॉर्म में चेंज होकर के इवेपोरेशन प्रोसेस को फॉलो करता है ना. वो प्रोसेस कैसे होते हैं, जैसे वाटर जो है वेपर बन करके ऊपर गया, उसमें क्या वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है ना, तभी तो क्लाउड्स बनते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन. ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.